इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नया वाला आधार कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं सो so, फ्रेंड पहले कुछ आधार इस प्रकार आता था उसके बाद पीवीसी कार्ड पे कुछ इस प्रकार आधार कार्ड आना स्टार्ट हो गया एंड अब एक नया आधार कार्ड आया हुआ है जो कुछ इस प्रकार है इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए मन में कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं चले टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं सो so, फ्रेंड आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है या तो आप फोन में ओपन कीजिए अदरवाइज लैपटॉप में ओपन कीजिए आपको टाइप करना है यू आई डी ए आई कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा आप यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा यहाँ से एक ऐड आपको देखने को मिलेगा जिसको आप कट कर दीजिएगा एंड माई आधार, पे क्लिक आधार पर क्लिक कीजिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा जिस जिसपे क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद तो कुछ इस पर इंटरफेस आ जाएगा नीचे यहाँ पे एक डाउनलोड आधार का ऑप्शन दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल कीजिएगा एंड नीचे कैप्चा कोड को फिल कर दीजिएगा सेंड ओ टी पी पे क्लिक कर देना है फोन पे ओ टी पी चला जाएगा ओ टी पी फिल कर दीजिएगा एंड यहाँ पे अगर चेक कीजिएगा तो आपका आधार कार्ड एक्स एक्स करके डाउनलोड होगा अदरवाइज आप इस पर टिक नहीं कीजिएगा तो नॉर्मली आपका पूरा फुल नंबर के साथ डाउनलोड हो जाएगा हम चाहते हैं वाला डाउनलोड हो सो इस पर क्लिक कर दिए और यहाँ से वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पासवर्ड फिल करना है जैसे में आपका नाम अगर हो गया तो आपका नाम का फर्स्ट लेटर जो चार गो होगा ये कैपिटल में होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ लास्ट का होना चाहिए सो ये आप चलिए हम फिल कर देते हैं उसका सबमिट पे जब क्लिक करेंगे आधार ये ओपन हो जाए यहाँ पे कुछ इस प्रकार ये आधार नहीं वाला डाउनलोड हो गया सो so फ्रेंड इस पर खूब आसानी से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलती रहे चलिए जय हिंद बाय